हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रोहेस। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे जो वो जियो के सिम को अपने आईफोन के फोन्स के अंदर जो वो यूज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और अनलिमिटेड डेटा वगैरह कॉल्स वगैरह जो आसानी से जो वो पा सकते हैं। हालांकि बहुत कमेंट्स मुझे आए थे आईफोन यूजर्स की तरफ से भी कि आईफोन के फोन में हम कैसे कोड जनरेट करें, आईफोन के फोन में हम कैसे जियो को यूज करें। प्रॉब्लम यह है कि आईफोन के फोन्स के अंदर कोड हालांकि फिलहाल जो वो जनरेट नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एंड्रॉइड का फोन यूज करना पड़ेगा, कोड जनरेट करना पड़ेगा, फिर आपको जैसे कि बताया कि हम उसको ऑफिशियल फोन में सेंड करते रहे सैमसंग वगैरह में, तो उसकी जगह पे आपको जब आप उस कोड जनरेट करते हैं एंड्रॉइड के फोन से, वही सेम चीज आपको जनरेट करके आईफोन के अंदर जो वो सेंड करना पड़ेगा। आपको नियर बाय गैलरी में जाना पड़ेगा और एक सिम कार्ड जो वो लेके आना पड़ेगा। शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता रहे थे कि ये वीडियो जो वो मुझे टेक फायर यूट्यूब चैनल से मिला है। और टेक फायर यूट्यूब चैनल आपको नहीं पता है तो मेरे प्रीवियसली वीडियोस के अंदर भी मैंने उनका वीडियो बताया था और उन्होंने रिलायंस से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। वो काफी एक्सपर्ट है इस काम के अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक देता हूं, आप जाइए उनके चैनल को देखिएगा तो आपको काफी सारे हेल्प मिल जाएगी और उनके चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी जो वो नहीं भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपको कोई भी एंड्रॉइड का फोन लेना है, 4G का या फिर 3G का, सिर्फ कोड जनरेट करने के लिए आप 3G भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि कोड को कैसे जनरेट करते हैं और अगर आपका कोड एक्सपायर्ड भी होगा तो उसको कैसे एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मैं लिंक देता हूँ, आप जाइए और सबसे पहला जो काम है वो कोड जनरेट करने का आप जो वो कर लीजिएगा। जैसे अगर आप कोड जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी ऑफिशियल फोन के अंदर उस कोड को सेंड करना है, सैमसंग के फोन में या कोई भी फोन, अभी काफी सारे फोन जो है एलिजिबल हो गए। लकीली काफी लोगों ने आईफोन के अंदर कोड सेंड करके आईफोन भी डायरेक्टली लेके गए हैं और डायरेक्टली उनको आईफोन के ऊपर भी जो वो मिल गया है। जी हाँ, बहुत बार लोगों के साथ ऐसा भी हुआ। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एंड्रॉइड का फोन लेके जाना पड़ेगा, उसके अंदर उस कोड को दिखा के एक जियो का सिम लेना पड़ेगा। आप जैसे कि जियो का सिम कार्ड ले लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जैसे कि पता है उसको एक्टिवेट होने के लिए वेट करना पड़ेगा। आपको अपने एक रजिस्टर नंबर पे एक SMS आएगा और वहां पे लिखा रहेगा कि अब आपका जियो का सिम एक्टिवेट होने के लिए रेडी हो गया है और अब ये सिम कार्ड को आपको अपने फोन में डालना है। ये वीडियो में हम जो है वो आईफोन यूज करेंगे। तो जैसे कि आपको जब मैसेज आ जाता है तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो सिम कार्ड है जियो का, उसको आपके आईफोन के फोन के अंदर जो है वो डालना है। जैसे कि आप आईफोन के फोन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सर्विस जो वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ऊपर की तरफ देखिए, आप देखेंगे नो सर्विस लिख के आता है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको सेटिंग्स में जाना है और आपको मोबाइल डेटा में जाना है और मोबाइल डेटा ऑप्शंस में जाना है और वहां पे आपको इनेबल LTE का ऑप्शन को ऑन करना है और वॉइस करके वहां पे रहेगा, आपको उस पर टैप करके आपको इनेबल LTE करके ऑन करना है। आप जैसे कि LTE को इनेबल कर लेते तो आपके ऊपर जो आप देखेंगे जैसे कि नेटवर्क आ जाता है। अब आपको क्या करना है कि आपको डायलर में जाना है और 1977 पे कॉल करना है और अपने जियो के सिम कार्ड को जो वो एक्टिवेट कर लेना है। आप जैसे कि जियो के सिम कार्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद आपको आईफोन के जो सिम कार्ड आप एंटर करते हैं जियो का, उसको एक बार निकालना है और फिर से आपको उसके अंदर इंसर्ट करना है। ये एक तरीका है, मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरीके से आपका सिम कार्ड जो वो प्रॉपरली चलेगा। अब आप मोबाइल डाटा टर्न ऑन कर लें। इसके बाद मोबाइल डाटा ऑप्शन पर क्लिक करें, एनेबल LTE के ऑप्शन पर क्लिक करें और आपको वॉइस एंड डाटा के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप उसको निकाल के डाल देते तो आपको फिर क्या करना है कि माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, सारे 11 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वापिस से माई जियो एप्लीकेशन में जाना है और आपको साइन अप करना है। जी हाँ, आपको आईफोन के मोबाइल से ही साइन अप करना है। आप जैसे कि आईफोन के मोबाइल से साइन अप कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से जो वो साइन इन करना है। आप जैसे कि साइन इन करेंगे तो आपको अब जो है वो अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलता है। लकीली मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता आपको सिर्फ 2GB डेटा मिलता है। तो आपको अभी क्या करना है कि आपको अगर नहीं पता है कि 2GB से अनलिमिटेड कैसे करते, तो उसके लिए आपको जो वो एक एंड्रॉइड का फोन यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं लिंक देता हूँ, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए कि 2GB से अनलिमिटेड में कैसे जो वो कन्वर्ट करते हैं। आप जैसे कि 2GB से अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस सिम कार्ड को अपने दूसरे एंड्रॉइड के फोन में डाल के माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सारे प्रोसीजर फॉलो करके जब वो सिम कार्ड अनलिमिटेड हो जाता है, वापस से वो सिम कार्ड को आपको आईफोन में डालना है और अब आप जब माई जियो एप्लीकेशन में जाते हैं और जैसे कि आप साइन इन करेंगे तो आप देखेंगे अब आपका सिम कार्ड जो है वो अनलिमिटेड
अनलिमिटेड हो गया है। तो अब आपके मोबाइल में यानी कि आईफोन में आप जियो की सिम कार्ड को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं और साथ में अनलिमिटेड डेटा भी जो है यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा कि अपडेट आईफोन्स के लिए भी आ रहा है, लीगली आईफोन के फोन्स के अंदर भी अगर आप डायरेक्टली बहुत बार हुआ है आप लेके जाएंगे आपको डायरेक्टली जो वो वहां पे जो वो सिम कार्ड दे देते हैं, क्योंकि आईफोन के फोन में फिलहाल अभी कोड जनरेट नहीं होते, पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम है। तो आपको एंड्रॉइड का फोन यूज करना पड़ेगा, कोड जनरेट करने के लिए आईफोन में सेंड करना पड़ेगा, उसके बाद एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करने का 2GB से अनलिमिटेड करना पड़ेगा वो एंड्रॉइड के फोन से, फिर इसमें आपको वो सिम कार्ड डाल के आराम से आप जो आईफोन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि आईफोन के अंदर भी आप जो वो कैसे जो वो अपने मोबाइल के अंदर जियो सिम डाल के यूज कर सकते हैं और अनलिमिटेड फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग आईफोन यूज कर रहे हैं अब उनको शायद से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वीडियो को प्रॉपरली देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको नहीं समझता है फिर भी तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो आपके सारे कमेंट्स को जो मैं पढ़ के सारे कमेंट्स को जो आसानी से रिप्लाई करके उम्मीद करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताना था, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं काफी सारे वीडियो जो आईफोन से रिलेटेड या रिलायंस से रिलेटेड, एंड्रॉइड से रिलेटेड जो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आपके सामने गेट फ्री जियो सिम करके एक ऑप्शन आ जाता है, आपके सामने प्रूफ है फिर से इस तरीके का आपको आ जाता है। फिर आपको क्या करना है कि आपको जो वो गेट जियो सिम के ऑप्शन के ऊपर जो वो क्लिक करना है, जैसे कि